हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म इनक्रेजेटो। डिस्कस करेंगे आज क्लास सिक्स साइंस चैप्टर वन, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, भोजन यह कहाँ से आता है। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे फूड वैरायटी। फूड वैरायटी हम एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे, दो एक्टिविटी है यहाँ, उस एक्टिविटी के द्वारा हम देखेंगे कि फूड की क्या क्या वैरायटीज होती हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, भोजन और इसका जो सोर्स है वो हमें कहाँ से मिलता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी के द्वारा बताया गया है, भोजन का जो सोर्स है वो हम एक्टिविटी के द्वारा समझेंगे। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, हम प्लांट का पार्ट और एनिमल का जो प्रोडक्ट, एनिमल से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है जिसे हम भोजन के लिए यूज करते हैं उसको देखेंगे आज। व्हाट डू एनिमल्स ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं, हमारा जो टॉपिक है इसे हम एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे। पैराग्राफ वन से, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने घर पर क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, पता करिए कि आज आपके दोस्त ने क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या आपने आज भी वही खाया है जो कल खाया था। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, यहाँ कह रहा है कि हम डिफरेंट टाइप के फूड डिफरेंट टाइम में खाते हैं, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के फूड खाते हैं। फूड वैरायटी, फूड खाना, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या वैरायटीज होती है। फूड वैरायटी को हम एक्टिविटी वन के द्वारा समझेंगे। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, स्कूल में अपने दोस्तों से पूछिए कि वो दिन में कौन कौन सा आइटम खाते हैं। सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, अगर पॉसिबल है तो आप के दोस्त अगर कोई इंडिया के दूसरे स्टेट्स में रहते हैं तो उनसे भी पता करिए कि वो क्या क्या फूड आइटम्स लेते हैं खाने में। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1, यहाँ है टेबल 1.1 में जो कॉलम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके जो दोस्तों से पता चलता है कि वो कौन कौन सा फूड आइटम लेते हैं उसको यहाँ लिस्ट आउट करना है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितने दोस्तों से हो सकता है मुमकिन है उतने दोस्तों से पता करिए। यहाँ टेबल में सिर्फ एग्जांपल के तौर पर तीन दोस्तों का दिया हुआ है, लेकिन आप जितने डाटा कलेक्ट कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। यहाँ कॉलम वन में अपने दोस्तों या फिर आपके स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नाम लिखने हैं, और उनसे जो आपने पता किया है कि वो एक दिन में कौन कौन सा फूड आइटम लेते हैं। जनरली हम तीन टाइम का खाना खाते हैं, एक ब्रेकफास्ट, एक लंच और एक डिनर। तो हम ब्रेकफास्ट में जो खाते हैं वो लंच में नहीं खाते हैं, और जो लंच में खाते हैं वो डिनर में नहीं खाते। हम तीनों टाइम में अलग अलग खाना खाते हैं, तो यहाँ इस तरह से लिखना है। पिक्चर्स, तीन पिक्चर्स हैं, पिक्चर वन, पिक्चर टू एंड पिक्चर थ्री। पिक्चर वन में साउथ इंडियन फूड आइटम्स हैं, इडली, डोसा, सांभर, ये साउथ इंडियन फूड आइटम्स हैं। इसमें फिश है और इसमें दाल, तो ये तीन तरह के फूड आइटम्स हो गए। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट फिगर 1.1। फिगर 1.1 से हमें पता चलता है, यहाँ पे फिगर है, इससे हमें पता चलता है कि हम अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, और हम जो खाना खाते हैं उसमें वैरायटीज होती हैं। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड अप ऑफ, ये जो फूड आइटम्स हमने देखा तीन तरह का, किस चीज़ से बने होते हैं, कैसे बनते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, घर पर जो चावल तैयार होता है उसके बारे में सोचिए वो कैसे तैयार होता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम कच्चा चावल लेते हैं और इसे पानी में उबाल देते हैं।
जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। एक उबला हुआ चावल की डिश तैयार करने के लिए हमें सिर्फ दो मटेरियल्स या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक कच्चा चावल और एक पानी। इससे हमारी चावल की डिश जो है तैयार हो जाती है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स। इसी तरह कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनते हैं। हमने चावल तो बनाया सिर्फ पानी और कच्चा चावल लेकर, चावल की डिश तैयार हो गई। लेकिन अगर हम सब्ज़ी बनाते हैं तो सब्ज़ी में बहुत सारी चीज़ें लगती है, तेल है, नमक है, सब्ज़ी है और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे हमारी एक सब्ज़ी तैयार होती है। तो हमने देखा कि सब्ज़ी तैयार करने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नीडेड होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, एग्जाम्पल के तौर पर हुआ है कि एक वेजिटेबल करी तैयार करने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। वेजिटेबल करी तैयार करने के लिए हमें बहुत कई तरह की सब्जियों की ज़रूरत होती है, सॉल्ट नमक की ज़रूरत होती है, स्पाइसेस मसालों की ज़रूरत होती है, ऑयल एंड सोन और तेल की ज़रूरत होती है। तो इतनी सारी चीज़ें मिलाकर हम एक वेजिटेबल करी तैयार कर पाते हैं। अब यहाँ एक्टिविटी टू के जरिए हम समझेंगे कि आगे क्या होता है। चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। टेबल 1.1 में जो आपने लिस्ट तैयार की है उसे चूज़ कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। यहाँ जो आपके दोस्तों ने बताया कि वो दिन में ये खाना खाते हैं, तो उसे आप यहाँ चूज़ कीजिए एक टेबल में और पता करिए कि ये सारे फूड आइटम्स कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनते हैं। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, और इसे अपने बड़ों से, घर में जो बड़े हैं, या फिर अपने दोस्तों से डिस्कस करके पता करिए कि फूड आइटम्स कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनते हैं। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। इन सारी चीज़ों को टेबल 1.2 में लिस्ट आउट कीजिए। सम एग्जांपल्स आर गिवन हेयर, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और कुछ को आपको इस लिस्ट में जोड़ना है। टेबल 1.2 में क्या है? फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ भी वही बात है कि कोई फूड आइटम है और उसे तैयार करने के लिए जो उसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होता है उसे यहाँ दिया। फूड आइटम्स एक कॉलम में है, दूसरे कॉलम में इंग्रेडिएंट्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम रोटी या चपाती खाते हैं। अब रोटी चपाती तैयार कैसे होता है, कैसे बनता है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है? रोटी चपाती के लिए हमें आटा और वाटर की ज़रूरत होती है। आटा लेते हैं हम और उसे पानी से मिलाकर गूंद देते हैं, उससे रोटी तैयार होती है। तो हमें पता चला कि रोटी या चपाती तैयार करने के लिए सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आटा है और पानी है। इसी तरह दाल, दाल तैयार करने के लिए, दाल एक फूड आइटम है, उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है? पल्सेज यानी दाल, वाटर, पानी, सॉल्ट, नमक, ऑयल, घी और मसाले, स्पाइसेस। इन सारी चीज़ों की ज़रूरत हमें एक दाल पकाने में पड़ती है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट डू वी फाइंड। ऊपर की एक्टिविटी से हमने क्या पाया, हमें क्या पता चला? डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। यहाँ सवाल है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स को हमने कॉमन पाया कि वो अलग अलग फूड आइटम्स बनाने में कॉमन होते हैं। जैसे हम अगर दाल बनाते हैं या कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें नमक की ज़रूरत पड़ती है, नमक जो है कॉमन इंग्रेडिएंट्स हुआ। इसी तरह हम फिश बनाते हैं या मीट बनाते हैं या दाल बनाते हैं तो उसमें स्पाइसेस यानी मसालों की ज़रूरत पड़ती है, तो मसाले जो हैं कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इन सबको क्लास में डिस्कस कीजिए, डिस्कस इन क्लास। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। यहाँ क्वेश्चन है कि ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से। हम जो दाल, मीट या फिश जो बनाते हैं और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से। अब यहाँ है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस।
फूड के जो मटेरियल्स हैं या फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं और उसके क्या सोर्स हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी यूज्ड इन टेबल 1.2। टेबल 1.2 में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे रोटी, चपाती, दाल तैयार करने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी, हमें गेस करने में आसानी होगी कि वो कहाँ से मिलते हैं। जैसे हमने देखा कि दाल करी बनाने में या वेजिटेबल करी बनाने में हमें वेजिटेबल की ज़रूरत पड़ती है, तो हम सब जानते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस फिगर 1.2A में दिया हुआ है। फिगर 1.2 क्या है, कहाँ है? फिगर 1.2A यहाँ है, प्लांट सोर्सेज। हम वेजिटेबल करी बनाते हैं तो वेजिटेबल करी में वेजिटेबल की ज़रूरत पड़ती है, वेजिटेबल हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो हमें यह गेस करना आसान है कि वेजिटेबल या फ्रूट हमें प्लांट से मिलता है। वेयर डू दे कम फ्रॉम, यहाँ क्वेश्चन है कि ये आते कहाँ से। ऑफकोर्स प्लांट से, हम सबको पता है कि फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स प्लांट्स से आते हैं, ये प्लांट सोर्सेज हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, एक और क्वेश्चन है यहाँ के, चावल और गेहूं का क्या सोर्स है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स। आप लोगों में से कुछ ने देखा होगा, कुछ ने नहीं भी देखा होगा, जो शहरी एरिया में रहते होंगे उन्होंने नहीं भी देखा होगा कि खेतों में लाइन बाय लाइन बहुत सारी फसलें लगी होती हैं, गेहूं की और चावल की। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जो हमें ये सारे अनाज देते हैं, जिनसे हमें ये सारी अनाज मिलते हैं। यहाँ फिगर 1.3 में दिया हुआ है ये। यहाँ हम इसे मान लेते हैं कि गेहूं या चावल, धान, जिस धान से चावल निकलता है, उसकी यहाँ फसल लगी हुई है खेतों में, ये लाइन बाय लाइन होती है। और जब ये पककर तैयार होकर इसकी कटाई होती है, छटाई होती है, तब इसे सैक्स में पैक करके गोडाउन भेज दिया जाता है, बाज़ारों में भेज दिया जाता है इसकी बिक्री के लिए। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। इसी तरह कुछ फूड आइटम्स हैं जैसे दूध, अंडे, गोश्त, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? एनिमल्स से मिलते हैं। ऑफकोर्स अंडे हमें मुर्गियाँ देती हैं तो अंडे मिलते हैं, दूध भैंस या गाय या बकरी से मिलते हैं। इसी तरह गोश्त भी एनिमल प्रोडक्ट ही होते हैं, ये सारे प्रोडक्ट हमें एनिमल से मिलते हैं। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। जो फूड आइटम्स हमने ऊपर लिस्ट किए हैं उन्हें देखिए और पता करिए कि वो आते कहाँ से हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, ये इंग्रेडिएंट्स और इनके सोर्सेज क्या हैं। सम एग्जांपल्स आर शोन इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज, इंग्रेडिएंट्स जो फूड आइटम तैयार करने में इस्तेमाल होते हैं और उसके क्या सोर्स हैं, ये फिगर 1.3 में दिया हुआ है। और इडली जैसे कोई फूड आइटम है इडली, अब इडली बनाने के लिए हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, चावल, उड़द दाल, नमक और पानी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और इनका मेजर सोर्स क्या है? प्लांट है। राइस भी हमें प्लांट से मिलता है, उड़द दाल भी हमें प्लांट से मिलती है, तो इसके सोर्स हुए प्लांट सोर्सेस। इसी तरह चिकन करी कोई फूड आइटम है, चिकन करी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है? चिकन ऑब्वियसली हमें एनिमल से मिलता है। स्पाइसेस, ये प्लांट प्रोडक्ट है। ऑयल या घी, ऑयल प्लांट प्रोडक्ट और घी जो है एनिमल प्रोडक्ट। ऑयल हमें प्लांट से मिलता है, कोकोनट ऑयल होता है या ऑलिव ऑयल होता है या फिर मस्टर्ड ऑयल होता है, तो ये सारे प्लांट प्रोडक्ट। और घी हमें बटर से मिलती है, एनिमल के क्रीम से, तो ये एनिमल प्रोडक्ट हुए।
और वाटर की ज़रूरत होती है। इसी तरह खीर फूड आइटम है, खीर बनाने के लिए हमें मिल्क की ज़रूरत होती है, राइस, शुगर, दूध, चावल और चीनी। तो दूध एनिमल प्रोडक्ट है, ये हमें जानवरों से मिलते हैं। राइस प्लांट प्रोडक्ट है, शुगर भी प्लांट प्रोडक्ट है। तो इसमें हमने देखा कि कोई फूड आइटम बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं उसके। कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ के सोर्सेज जो हैं प्लांट होते हैं, कुछ के सोर्सेज जो हैं एनिमल होते हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी थ्री? अब एक्टिविटी थ्री से हमने क्या कंक्लूड किया, हमें क्या पता चला एक्टिविटी थ्री से? एक्टिविटी थ्री में हमने देखा कि इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यहाँ क्या बता रहा है कि प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। प्लांट्स जो है फूड इंग्रेडिएंट्स का सोर्स है, जैसे अनाज, ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ एंड फ्रूट्स। इन सारे प्रोडक्ट या इन सारे फूड इंग्रेडिएंट्स का जो है सोर्स प्लांट है। एनिमल प्रोवाइड अस विथ मिल्क। एनिमल से हमें दूध मिलता है, मीट, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स, मीट या मीट के प्रोडक्ट्स और अंडे मिलते हैं। काउज, गोट्स एंड बफलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। गाय, बकरी, भैंस कुछ कॉमन एनिमल हैं जिससे हमें दूध मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूध या दूध के जो दूध से बने प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बटर, क्रीम, चीज़, दही, ये सारे जो हैं दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह इस्तेमाल होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? यहाँ क्वेश्चन है कि गाय, भैंस, बकरी के अलावा भी कोई ऐसे जानवर को आप जानते हैं जो दूध दे? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट का कोई पार्ट या एनिमल प्रोडक्ट्स जिसको हम एज फूड यूज करते हैं। प्लांट्स आर द वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट्स ऑफ ए प्लांट? हम जानते हैं कि प्लांट एक हमारे भोजन का सोर्स है, भोजन का स्रोत है। तो अब ये देखना है कि प्लांट का कौन सा हिस्सा हम फूड के लिए लेते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम सब जानते हैं कि हम बहुत सारी जो हैं सब्जियां खाते हैं, उसका लीफ का हिस्सा खाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स। साग, हम लीफी वेजिटेबल्स होती है जो हम खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट खाते हैं, समटाइम्स रूट, कभी कभी जड़ खाते हैं, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। कभी हम उसका तना भोजन के तौर पर लेते हैं और कभी फूल। फिगर 1.4 में दिया हुआ है डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट जो हम खाने के लिए यूज करते हैं, जो खाने लायक होते हैं। यहाँ एनसीईआरटी में पहेली और बूझो जो हैं दो कैरेक्टर हैं जो जिनसे जिनकी बातों से हमें डिफरेंट तरह की नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम सोर्सेज अदर देन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहली यहाँ जानना चाहती है कि प्लांट और एनिमल के अलावा भी कोई ऐसा सोर्स है जिससे हमें फूड मिलता है। तो फिगर 1.4 को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं फिगर 1.4, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये एक लेडीज फिंगर, भिंडी का पौधा है, फ्लावर का हिस्सा है। ये फ्रूट है, तो भिंडी हम ये फ्रूट है तो भिंडी का हम फल खाते हैं। इसी तरह ये इसका स्टेम है, ये पत्ती है, लीफ है। दो नई नई टहनी के बीच में एक छोटी सी वो होती है, उसको बड बोलते हैं। इसी तरह नोड है, इंटर नोड है, ये प्राइमरी रूट है, ऊपर के हिस्से को प्राइमरी रूट कहते हैं, और नीचे का जो सबसे निचला हिस्सा होता है उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। जड़ का पहले ऊपर का हिस्सा, थोड़ा जो ज़मीन की सतह के जस्ट नीचे होता है उसको प्राइमरी रूट कहते हैं, और ज़मीन की निचली सतह में जो होता है जो उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं। यहाँ फ्लावर से लेकर जो
जमीन की सतह तक, जड़ से थोड़ा ऊपर तक आता है, उसे शूट सिस्टम कहते हैं। और नीचे का, जमीन की सतह से लेकर नीचे जड़ तक का हिस्सा रूट सिस्टम कहलाता है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ये एक तरह की डिश के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि आपने कभी एक पम्पकिन फ्लावर की एक वो डिश बनती है जिसके पम्पकिन फ्लावर को चावल के पेस्ट में डुबोया जाता है और उसे फ्राई करके खाया जाता है। इसे ट्राई कीजिए, ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल मतलब ईटेबल, खाने लायक, जिसे हम खाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईटेबल पार्ट्स, कुछ पौधे जो दो या दो से अधिक ईटेबल पार्ट्स रखते हैं, जिसके पास दो या दो से अधिक खाने वाले हिस्से होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल। यहाँ देखो, सरसों का जो पौधा होता है उसकी बीज से हमें तेल मिल। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, और सरसों के पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उसे हम साग के तौर पर या सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? यहाँ क्वेश्चन है कि क्या आप बनाना प्लांट का जो है, बनाना प्लांट जो है उसका कोई हिस्सा बताते हैं जो खाने के लिए यूज होता है। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। कुछ ऐसे पौधे के बारे में सोचिए, एग्जाम्पल दीजिए, जिसके दो या दो से अधिक भाग जो हैं खाने के लिए यूज होते हैं। टेबल 1.4 में दिया हुआ है प्लांट पार्ट्स एज फूड। ऊपर की चीज़ें ही हम नीचे टेबल के द्वारा देखेंगे कि प्लांट पार्ट्स को जो हम कौन से प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है जिसे हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फूड आइटम्स विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। कॉलम 2 में है इंग्रेडिएंट्स या सोर्स, और ये सारे फूड आइटम के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं या क्या इनके सोर्स हैं। तीसरा कॉलम है प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट्स, प्लांट का कौन सा हिस्सा है जिससे हमें ये सारे फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं ब्रिंजल करी, बैगन की सब्जी। ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो है ब्रिंजल, बैगन, चिल्ली एज ए स्पाइस, एनी अदर, मिर्च या फिर कोई दूसरे, हल्दी, धनिया, कोई और भी मसाले, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, नारियल का तेल, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट तेल जो किसी भी प्लांट का हो, जैसे नारियल का तेल हमें मिलता है, ऑलिव ऑयल का तेल मिलता है, सरसों का तेल मिलता है, बादाम का तेल मिलता है, ये सारे तेल जो हैं प्लांट से मिलते हैं हमें। तो ब्रिंजल का कौन सा पार्ट जो है हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रिंजल जो पौधा होता है उसका कौन सा पार्ट हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑब्वियसली फ्रूट, ब्रिंजल प्लांट जो होता है उसका फ्रूट हम खाते हैं, चिली जो होता है उसका फ्रूट हम खाते हैं, चिली प्लांट का, ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, ऑयल जो बनता है वो किसी भी पौधे का हो वो बीज से बनेगा, सीड से। तो इसी तरह हम ऑयल हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट के किस पार्ट से, सीड के पार्ट से मिलता है। यहाँ बूझो पहेली के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शन बॉक्स में बताई गई है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। यहाँ कह रहा है कि किसी भी अननोन प्लांट्स को जो है चेक मत कीजिए कि ये खाने वाला है या नहीं है, खाने के लायक है कि नहीं है, कुछ प्लांट्स जो है पॉइजनस भी हो सकते हैं। अब हम एक्टिविटी 4 के द्वारा देखेंगे। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, टेबल 1.3 में जो हमने इंग्रेडिएंट्स, फूड आइटम्स और जो प्लांट का पार्ट देखा कि खाने के तौर पर कौन सा इस्तेमाल होता है, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। अब हमने जो लिस्ट तैयार की उसमें से ऐसे आइटम्स या ऐसे इंग्रेडिएंट्स को चुनिए जो हमें प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट, और प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं ये भी चूज करना है। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोड इन टेबल 1.4। इन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और लिस्ट आउट कीजिए कि फूड आइटम्स जो है प्लांट के किस पार्ट से मिले हैं या प्लांट के किस पार्ट से हमें ये इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं।
अब एक्टिविटी फाइव के द्वारा हम देखते हैं एक्टिविटी फाइव में क्या है। एक्टिविटी फाइव, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग या चना की कुछ सूखी बीज लीजिए। पुट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन ए कंटेनर फिल्ड विथ वाटर। सीड्स जो हैं, बीज जो आपने ली है सूखी चने की या मूंग की, उसको एक भरे हुए पानी के कंटेनर में डालिए एंड लीव दिस असाइड फॉर ए डे, और एक दिन के लिए इसे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन आप देखेंगे, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। पानी को पूरा निथार लीजिए, यानी बर्तन से पानी को पूरा निकाल लीजिए और सीड्स को दूसरे बर्तन में छोड़ दीजिए, रख दीजिए या उसी बर्तन में रख दीजिए। रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। बीज को एक भीगे कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। यहाँ पिक्चर है फिगर 1.5, होल मूंग एंड इट्स स्प्राउट्स। ये सूखी ही मूंग की सीड्स है और ये स्प्राउटेड है। इसे पानी में फुलाने के बाद इसमें से कोंपल फेंक आई है। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आप एक दिन के बाद देखेंगे कि इस बीज में से जो है वाइट वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर निकल आया है। इफ़ सो, अगर ऐसा है, द सीड्स हैव स्प्राउटेड। फिगर 1.5 में दिया हुआ है, अगर ऐसा होता है, वाइट वाइट स्ट्रक्चर निकल आता है, तो आप ये समझेंगे कि ये बीज जो है स्प्राउटेड हो गई है, यानी इसमें कोपल फेंक दिया। इफ़ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर। अगर ऐसा नहीं हुआ है, वाइट वाइट स्ट्रक्चर नहीं आया, कोपल नहीं फेंकी है, तो सीड्स को फिर पानी में धोइए। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। पानी को निकाल लीजिए फुलाने के बाद और फिर उसे अलग से एक भीगे कपड़े में अगले दिन के लिए डाल दीजिए। यहाँ चना है और चने की बीज को फुलाने के बाद ये स्प्राउटेड हो गई और ये वाइट वाइट स्ट्रक्चर निकल आया है। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगले दिन आप देखेंगे, जब इसे आप भीगे हुए कपड़े में लपेट कर रख देंगे, तो अगले दिन आप देखेंगे कि इसमें वाइट वाइट स्ट्रक्चर निकल आया है, जैसे हमने मूंग की दाल में देखा था। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। इस जो सीड्स जो स्प्राउटेड हो गई हैं, उसको धोकर आप खाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत इनर्जेटिक होता है, इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बेनिफिशियल होता है ये। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड, और इसे हम उबाल कर भी खा सकते हैं। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। मसालों को मिलाकर इसे टेस्टी स्नैक बनाया जा सकता है।